राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को, माताओं को, बहनों को। तो देखो, आज मैं आपको, ये माँ की चौथ है, तो आज मैं आपको देखो चौथ की माँ का उजीवन का बताती हूँ आपको, किस प्रकार उजीवन किया जाता है। तो देखो, कहानी सुनते हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से ये जल लेके और इस तरीके से चौका लगाओ, फिर अपन इसके देखो स्वास्थ्य बनाते हैं। इस तरीके से ही बना के, इस तरीके से ये बना के बिंदी लगा के, और यहाँ पे ये रख देती हूँ गेहूँ। इस तरीके से गेहूँ रख के, और देखो ये गणेश जी हैं, छोटे से गणेश जी हैं। इस तरीके से गणेश जी हों तो यहाँ पे विराजमान कर दीजिएगा, आप यहाँ पे बिठा दीजिएगा इनको। इस तरीके से गणेश जी को फिर आप स्नान करा के और इनके तिलक काटो। इस तरीके से ये तिलक काट दिया, चावल लगा दिया। फिर सेम अपने तिलक काटते हैं, चावल लगाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। और उजीवन की तैयारी आपको ये फिर कथा कहानी सुन लेते हैं। अगर आप इसी टाइम कड़कने का सामान रखते हो तो आप इस प्रकार रख लीजिएगा। देखो ये तिलकुटा है, तो ये तिलकुटा है, और उजीवन में आप इतनी ये कटोरी लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, इससे बड़ी लेना चाहते हो तो आप बड़ी भी ले सकती हो। इनमें से आपको 13 लेनी है। इस तरीके से 13 ये जरूरी होते हैं, तिल कुटा और बर्तन ये जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से अपन को ये 13 लेनी है। इस तरीके से कटोरी, 13 कटोरी लेनी है। देखो आपको इस तरीके से 13 जगह लेनी है। अभी ये मैं आपको बताती हूँ, और बड़ा आप ले सकती हो तो और भी बड़ा ले सकती हो, इतना बड़ा ले सकती हो, आपकी इच्छा के अनुसार है। इस तरीके से आप ले सकते हो। उसमें क्या है कि देखो, अगर आप 13 जने को साड़ी देना चाहती हो तो आप साड़ी भी दे सकती हो, और अगर साड़ी नहीं देना चाहती हो तो आप इस तरीके से ये ब्लाउज का पीस ले लीजिए। इस तरीके से ले लिया ये ब्लाउज का पीस है, इनमें ये आप सेम जरूर रखें इस तरीके से, और दक्षिणा में जरूर रखें। इस तरीके से आप ले सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने कोशिश बना दी है। इस तरीके से सेम आपको लेना है। इस तरीके से आप साड़ी देना चाहो तो साड़ी ले सकते हो, नहीं तो आप ये ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कपड़े हैं, तौलिया है, पैंट कुर्ता पजामा है, बनियान है, मोजा है, और इसमें दक्षिणा रखते हैं। आप कितने भी रख दीजिएगा आपके सत्ते के अनुसार। इस तरीके से ये लेना है, और ये देखो अगर साड़ी आप 13 साड़ी नहीं दे सकते हो तो आप साड़ी कम एक साड़ी बेच तो जरूरी है। ये साड़ी है और पेटीकोट, पेटीकोट जरूरी होता है। साड़ी है और चूड़ा है, इसमें साड़ी श्रृंगार का सामान है। इस तरीके से, और देखो चुटकी जरूरी है, जब आप ये देते हो तो चुटकी जरूरी होती है। ये पूरा बेस चाहिए, इसको ऐसे रख के 13 ब्लाउज और ये रख के आप इनको मनस लीजिएगा। इस तरीके से जब कहानी आप सुनते हो उस टाइम आप कड़पने निकाल सकते हैं इस तरीके से। और देखो इसके पता सुनते हैं, जब पाठड़ी जरूर रखनी है अपन को, चौथ माता की पाठड़ी रखनी है। जब उजीणा करते हैं, उद्यापन करते हैं चौथ माता का, तो पाठड़ी जरूर बनवानी चाहिए, वो पाथड़ी अपने पास ही रखनी चाहिए। जब भी आप कथा सुनती हो, माता की कहानी सुनती हो, जब उसको रखनी है। इस तरीके से आपको जो आपने कटोरी लिए, 13 कटोरी लिए, वो कटोरी इस भेज के साथ में लगेगी।
इस बेस के साथ भी इस तरीके से लगेगी। और आप ब्लाउज की पीस दे रहे हो तो देखो ब्लाउज की पीस के साथ भी इस तरीके से कटोरी लगेंगी। आप इस तरीके से आप देख सकते हो इस तरीके से। और ब्लाउज के देखो गोटा जरूर होना चाहिए इस तरीके से। अगर गोटा नहीं लगा पाते हो तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको ब्लाउज को यूँ उल्ट करके और बस यूँ गोटा को बांध के और यूँ रख लीजिएगा इस तरीके से। फिर आप दे दीजिएगा ये रख के और जब आप कहानी सुनते हो तब उसी तरह देखो बताया था मैंने पहले उसी तरह आपको क्या करना है ये इस तरीके से सात दफे लेके और इन्हीं पे छोड़ना है और हाथ जोड़ना है चौथ माता की। चौथ माता की देखो हर प्रकार माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और ये माता माँ की चौथ माता इस स्वर्ग भाग देने वाली है। तो माताएं बहनाएं इसका उजीवन आप माता रानी जरूर करें और आप जो भी काम आपका मन इच्छा पूरी हो जाती है तब इसका तिल का हंडवा बांटा जाता है और आपकी मनोकामना के लिए आप माता रानी से प्रार्थना कर सकते हो। माता रानी ये काम मेरा हो जाए मैं आपके 1.25 किलो का तिलकुटा का प्रसाद बांट दूंगी। इस तरीके से इसका होता है। फिर यूँ राधे राधे जय श्री कृष्णा इस तरीके से देखो ये घोड़ा का कपड़ा दिया जाता है। आप किसी को दें बुआ सास को दें ये पादड़ी है। इस पादड़ी को भी यहाँ रखी जाती है। इसको धो के इसको इस तरीके धो के टीका लगा के यहाँ रखते हैं। इस तरीके से जब कथा कहानी सुनते हैं ये पादड़ी जरूर रखें आपको अपने पास। राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी को माताओं को बहनों को सबको।